यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? चुप कर बे कुत्ते। भेजा क्या है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? खाली है, भेजा नहीं है। रख रख तेरी माँ की रख। मेरे को अक्सर बहुत सारे भाई ये बोल के जाते हैं कि भाई पॉजिटिव वीडियो भी लाया कर पाकिस्तान से, पॉजिटिव न्यूज भी दिखाया कर, क्या हमेशा नफरतें फैलाता रहता है, जहर फैलाता रहता है और उनकी नेगेटिविटी दिखाता है। They will say the butcher of Gujarat is not the butcher of Kashmir. तो उन लोगों के लिए एक ही जवाब है कि मेरे भाई वहाँ पे पॉजिटिविटी है ही नहीं। क्या बात है, पॉजिटिव कौन सी चिड़िया का नाम है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जानते ही नहीं है। सही बात है, कोई 100 में से एक बंदा पाकिस्तान में पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। और नहीं तो क्या। और इस चैनल पे आप और मैं अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इनकी नेगेटिविटी में से अपने मनोरंजन का साधन निकाल लिया जाए। yes. क्योंकि इनको सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। yes. ये फारिग लोग है। yes. इनको पूरी दुनिया कटा रही है। yes. तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको सबसे पहले हम कटाएं। तो मेरे भाई पाकिस्तान में पॉजिटिविटी ढूंढना घास के ढेर में सू ढूंढने के बराबर है। खैर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, एक वीडियो तो ले ही आऊंगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। पाकिस्तान की सरकार ने कर दिया हाथ खड़े और बोला कि हमारे पास तो 2 दिन से ज्यादा की दवाइयां नहीं बची, मतलब इनके पास में आटा इनके पास खत्म हो चुका है, गैस इनके पास खत्म हो चुका है, बिजली के रेट ये बढ़ाए जा रहे हैं, थोड़े दिन बाद में भारत पानी भी रोक लेगा। अबे पाकिस्तानियों खाओगे क्या, तुम जियोगे कैसे? अच्छा बात नहीं है। तो पाकिस्तानी पत्रकार निकले आवाम के बीच में और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये दवाइयों का बोहरान और ये पाकिस्तान के इतने सारे बोहरान हैं, इन बोहरानों को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में थोड़ी जहालत कम दिखेगी लेकिन मनोरंजन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फवाद खान। क्या फवाद खान, जबरदस्त, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है? मैं प्रिंसिपल हूँ भाई पाकिस्तानी जाहिल एकेडमी का। अच्छा, फिर तो आपसे बात करने का मजा आएगा। टॉपिक ये है कि जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, आपको पता होगा, अब फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि हमारे पास यानी पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 4 दिन का जो स्टॉक है मेडिसिन का वो मौजूद है। एलसीज ना खोली गई तो जैसे फूड क्राइसिस चल रहा है, वीट क्राइसिस चल रहा है, वैसे ही मेडिसिन को लेकर क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में और बहुत लोगों की जानें भी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरे भाई पाकिस्तान में जानें तो बहुत सस्ती है। कल ही तुमने नानक साहब की पवित्र धरती पर एक सिख को इष्ट निंदा का आरोप लगा के तुम लोगों ने मार दिया रोड पे। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। कल ही का वाक्या है, पाकिस्तान में लाहौर शहर के करीब ननकाना साहिब के पास एक इंसान को जिंदा जला दिया गया और वजह सामने यह है कि वो गुस्ताखे रसूल था। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन अभी सिम्टम सामने, मतलब कहा जा रहा था, सुनने में ही आ रहा था, मगर अभी तक उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे नहीं हुए थे। कुछ शर्म आया है? उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, मगर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़ के अंदर जाके उसके साथ इतना तशद्दुद किया। तुम्हारे मुल्क के अंदर गैर इस्लामी लोगों की जिंदगी तुमने बद से बदतर बना दी है। अगर आज तुम पे ये दुखों का पार टूट पड़ रहा है ना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। इसके ऊपर कुछ कहने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? ये माम सो रही है, हम भी सो रहे हैं, जब तक ये चलता रहेगा किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नहीं, देखें अवाम सो रही है लेकिन मेरी और आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ सोचने से कुछ नहीं होगा। जिस जो इस मुल्क के ठेकेदार हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, हमारे सोचने से ना कोई फर्क पड़ा ना फर्क पड़ेगा। अब जब तक हम इस गफलत की नींद से उठेंगे नहीं, कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का। तो गफलत की नींद से उठाने के लिए ही तो ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ना। मेरे ख्याल में जब तक हम बोलेंगे नहीं, पहला स्टेप बोलना होता है कि भाई ये इशू है और ये इशू का हल ये है। अब ये देखें, चाइना से अगर मेडिसिन क्यों नहीं हमें आ रही, देखें हमारा दोस्त भी है, कहा यह जाता है को हमालिया से ऊंची दोस्ती है, वो हमें मेडिसिन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा? अरे भाई तुम पैसे नहीं दोगे तो कौन तुम्हें मुफ्त की दवाइयां देगा? तुम पहले इंडिया की दवाइयां लेते थे, उनके भी पैसे आज तक नहीं चुका है। सही बात है यार, चाइना का अपना मुफाद है, हर किसी का अपना मुफाद है, किसी कोई कोई किसी के यहाँ दोस्त नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में पता चले कि सीपैक क्यों बन रहा है, किस चीज़ की वजह से, वजूहत से बन रहा है, तो वो चलेगा कि दोस्ती से ज़रा मुफाद है, मुफाद होता है। तो इसी तरह मुफाद के बेस पे अगर लगता होगा कि उनको कोई चीज़ के, अगर उनको सभी चीज़ समझ आती होगी तो वो क्यों ना उसको उसको हेल्प करेंगे। अब जहाँ तक दूसरी बात, आपने मुझे बोला कि हम बोलना स्टेप होता है, सुबह रात को 9 बजे टीवी लगा के देखें सब बोल रहे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं। हाँ जी, सब हल कोई नहीं, आपके ख्याल में हल कोई नहीं होता। ये भाई पाकिस्तान से थक गया है, हार गया है, इसको कोई पाकिस्तान से अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये बताएं इंडिया की अगर बात करें, श्रीलंका पे क्राइसिस आए, इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें, वो बुरी कंडीशन में था, तो अफगानिस्तान को भी श्रीलंका को भी इंडिया ने मेडिसिन प्रोवाइड की। अगर हमारे रिलेशन उनके साथ बेहतर होते तो हमें भी वो मेडिसिन प्रोवाइड करते, चाहे वो ट्रेड की सूरत में करते या हेल्प की सूरत में करते या ना करते।
देखें बात यही होती है कि आप इंडिया को वहाँ पे मुफाद हासिल ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे उनका एक वैसे भी एक हिस्ट्री से चलता आ रहा है कि, और उनकी आवाम भी इसे सोचती है कि ये दुश्मन है हमारे। बेटा है ना? हाँ भाई हाँ। बेटा बन के रहे। मेरे भाई हम भूखे नंगों से दुश्मनी नहीं रखते हैं। Yes. अगर हम दुश्मनी रखते हैं ना तो तुमको कब का ही नेस्ता नाबूद कर देते हैं। Yes. वैसे हो तो हमारे दुश्मन ही, वो भी छानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन। यही तो मजा है, एक दुश्मन ना हो जिंदगी में फिर मजा नहीं है, फिर यार रहनी चाहिए दुश्मनी। ठीक है, आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ, पढ़ी लिखी है वहाँ में, बड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन जब से मोदी आया है वहाँ पे भी यही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। मोदी की बात की, मैं उनकी ही बात करता हूँ। दो दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला, एक अनाउंस किया, मतलब इंटरव्यू के दौरान अपना उन्होंने राय दी कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ पीस टॉक करें। अभी आज वहाँ से रिप्लाई आया है, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ही रिप्लाई आया है कि हम पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले अपनी जो दहशतगर्दी की वेव है, टेररिज्म की वेव है, इसको कंट्रोल करें। यानी उन्होंने तो रिप्लाई किया इससे पहले भी, वो अक्सर ऐसा कह चुके। ये हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जाके उनको बोला है कि लेकिन इमरान खान साहब ने तो ट्रेड बंद कर दी, जिसका आज हम हमेशा भुगत रहे हैं, टमाटर नहीं मिल रहे, गंदम नहीं मिल रही। बात ये होती है कि टेबल टॉक कब से चलती आ रही है, जब से भुट्टो यहाँ पे था। ठीक है, बात हमेशा ये होती है कि हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, बाकी जहाँ तक बातें चीज़ें हैं कि वो ये है कि ख़ुद मुख्तार होने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, और कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ तक बात है, जब तक हम और मैं और आप जैसे लोग जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि कितना ज़रूरी है, ये बात यहाँ तक चलती रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो मेडिसिन की ज़्यादा आपने बात की, वो ये है कि अगर हम, मुझे पता चल जाएगा ना कि ये मेडिसिन शॉर्ट होने वाली है, मैं खुद जाके दो डब्बे उठा लूँगा। ये 1,00,000 रुपए की बात कही, ये है असली पाकिस्तानियत और ये है असली पाकिस्तानियों वाला जज्बा। भाई ने बिल्कुल ईमानदारी से कह दिया कि हम चोर, बेशरम, बेईमान, इस दुनिया की सबसे वाहियात कौम अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी कौम है। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तान में शॉर्ट होने लगती है वो हम ऐसा करते हैं कि उसका स्टॉक कर लेते हैं, ताकि मुश्किल वक्त में जब पब्लिक मुश्किल में हो तो हम उसका फायदा। तो जब तक कर देते हैं गवर्नमेंट को, और तो हम यही कहते हैं दोस्त हमारा वो, दोस्त हमारा ये, जब तक हमारे अंदर की चीज़ें जब तक नहीं जाएंगी, हम ऐसा कौम तब्दील नहीं होंगे, ये मुल्क नहीं बदलेगा। हम जितने मर्जी उकरा में डाल दें, जितना मर्जी सब कुछ डाल दें, ये कौम, मुझे आपको ये मिलावट, ये दो नंबरी, ये चोरी चकारी, ये करप्शन से जब तक नहीं छूटेगी इस मुल्क का कोई भी बचाने आ जाए, ये मुल्क नहीं बचेगा। आपने बोला कि इंडिया का वो मफाद है श्रीलंका और बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में, इसलिए उन्हें मेडिसिन या दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए आप टीचर हैं, जाके सर्च भी करिएगा कि अभी भी हमें काफ़ी हद तक मेडिसिन इंडिया से आती रही थी, अभी भी हमने उनके पैसे देने हैं। इस ये सुनकर आपको कैसा लगा? नहीं, बातें चीज़ें ये हैं कि चीज़ें इस तरह की चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।